गुड मॉर्निंग। आज की जो टॉपिक है आप लोगों को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, आप लोगों के लिए टॉपिक जो हम लेके आए हैं वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रकाशिक यंत्र में सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ना। तो सरल सूक्ष्मदर्शी इसके पहले लेक्चर में हो चुका है, आज का जो टॉपिक है वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसका संरचना, किरण आरेख, आवर्धन क्षमता, नली की लंबाई, अधिकतम आवर्धन क्षमता के लिए शर्त, तो इसमें कई पॉइंट होते हैं है ना, तो उन पर डिटेल करना है। और आवर्धन क्षमता क्या होता है ये सब आप पीछे इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए पहले आप सिंपल माइक्रोस्कोप को यदि पढ़ेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी को, फिर इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यदि उसके बिना पढ़ेंगे इसको तो थोड़ी बहुत बीच में दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए जब भी इस टॉपिक को पढ़ना हो तो उसके पहले सरल सूक्ष्मदर्शी ज़रूर पढ़ें, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। देखना भर हो तो आप किसी को भी देख सकते हो। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी टॉपिक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसी को यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं, यौगिक यौगिक सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का ही दूसरा नाम है यौगिक सूक्ष्मदर्शी। यौगिक सूक्ष्मदर्शी यौगिक सूक्ष्मदर्शी, चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहो चाहे यौगिक सूक्ष्मदर्शी, वही है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या बनाना है, किरण आरेख। सबसे पहले इसमें क्या बना दे, किरण आरेख, ठीक। तो किरण आरेख में देखिए, इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होते हैं, सूक्ष्मदर्शी की बात यदि करें है ना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी मेरा मेन टॉपिक है। अब कहोगे सूक्ष्मदर्शी क्या है, तो ये तो पीछे लेक्चर में आप पढ़ सकते हो, उसी को हम इसमें अब दोबारा बताएं, तो इसलिए आप पीछे वाला पढ़ लो। सूक्ष्मदर्शी जो होता है, सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है, पास में स्थित अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े आकार में देखा जाता है। दो प्रकार की होती, सरल और संयुक्त। सरल वाला पीछे लेक्चर में हो चुका है, आज संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हमको बताना है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए देखिए इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये बता दें, इसमें दो लेंस होते हैं, इन दो लेंसों में एक लेंस ये है, दूसरा लेंस ये है। ये लेंस का नाम है अभिदृश्यक लेंस, इस लेंस का नाम है नेत्रिका लेंस। ये अभिदृश्यक लेंस एल ओ, इसका नाम क्या है, अभिदृश्यक लेंस, जिसको एल ओ कहा गया है, और इसका नेत्रिका लेंस नाम है जिसको एल ई कहा गया है। इसके प्रकाश केंद्र को ओ लिखे लेते हैं, इसके प्रकाश केंद्र को ई लिखे लेते हैं, है ना। यहाँ पर एक वस्तु है ए बी, एक वस्तु क्या है ए बी, इस वस्तु से, इस वस्तु का प्रतिबिंब इधर कहीं ना कहीं बनता है, तो हमने पहले बनाया दिया, ये लीजिए ये कैसे बना है, एक प्रकाश किरण ऐसे केंद्र से गई है, दूसरी ये समांतर गई, तो इसके फोकस से मान लो ये है ना, ये रहा, ये इसका फोकस आए है, ठीक। ये जो प्रतिबिंब बना है ये ध्यान दीजिएगा,
ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है किसका, ए बी का, किससे बना है, एल ओ से। ध्यान दीजिए, ए ए बी क्या है, वस्तु है, और इस वस्तु का प्रतिबिंब अभिदृश्यक लेंस के द्वारा ए डैश बी डैश बना है, और ये ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए वस्तु है जो इसके फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच स्थित है। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रकाश किरण केंद्र से गई है, सीधे निकल गई, दूसरी प्रकाश किरण समांतर गई है, अब यहाँ से ये रहा, ये इसका एफ ई है। अब बताओ, ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे से दूर हो रही हैं, और जब एक दूसरे से दूर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं इधर जाके मिल जाएंगी, और जब ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, जहाँ मिल जाएंगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो ये पी क्यू क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, यानी इधर क्या है, ये आई, ये ठीक है। ये क्या क्या हुआ सुनना फिर से, ये क्या है, अभिदृश्यक लेंस है, ये क्या है, नेत्रिका लेंस है, ए बी क्या है, वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब अभिदृश्यक लेंस के द्वारा ए डैश बी डैश बना है, और ये जो ए डैश बी डैश बना है वो इसके लिए वस्तु होगा, और इसके प्रकाश केंद्र और नेत्रिका फोकस के बीच में है, ताकि इसका सीधा आभासी प्रतिबिंब इस साइड में बना है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो वस्तु की दूरी है u, अभिदृश्यक के कारण यू ओ, चिन्ह परिपाटी के कारण माइनस, ये जो है वस्तु की दूरी है इसलिए u, अभिदृश्यक के कारण यू ओ, चिन्ह परिपाटी के कारण माइनस। यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी है, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है भी ओ, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो u है, नेत्रिका की वजह से e, और ये माइनस, ये प्रतिबिंब की दूरी, ये वस्तु की दूरी अभिदृश्यक के लिए, ये वस्तु की दूरी, और ये प्रतिबिंब की दूरी जरूर है पर ये स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बना है। ये PQ जो है इसके लिए प्रतिबिंब है, पर जो प्रतिबिंब बना है वो स्पष्ट दृष्ट की न्यूनतम दूरी पर बना है। ठीक है ना, प्रतिबिंब के द्वारा बना हुआ ये कोण जो है वो बीटा है, प्रतिबिंब के द्वारा बना हुआ कोण क्या है, बीटा है। अब यहाँ पर यहाँ ये हमको आवर्धन क्षमता के लिए प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दृष्टिकोण चाहिए, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दृष्टिकोण चाहिए, अब वस्तु द्वारा निर्मित दृष्टिकोण भी चाहिए, लेकिन वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तब। तो हम इस वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो इस वस्तु को हम यहाँ थोड़ी समय के लिए रख लेते हैं, इसी वस्तु को उठा के यहाँ रख लेते हैं, और फिर यहाँ एक कोण बनाएंगे ये, और ये कोण जो है वस्तु द्वारा बना कोण लिया जाएगा। क्या करना है, आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए हमको प्रतिबिंब द्वारा बना कोण चाहिए और वस्तु द्वारा बना कोण चाहिए, लेकिन वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तब। तो ये जो वस्तु है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर नहीं है, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वाला बिंदु ये आए है, तो इसी वस्तु को उठा के यहाँ रखेंगे थोड़ी समय के लिए, और थोड़ी समय के लिए यहाँ रख करके और इसको यहाँ एक कोण बनाएंगे, तो ए इस वस्तु को लाए, ए बी इसी वस्तु को उठा के यहाँ लाओ, तो ए बी ए बी ई, और यहाँ बनाएंगे अल्फा, तो यहाँ ना बना के हम यहाँ बगल में बनाए देते हैं, देखना
उस वस्तु को उठा के ए बी और ये ई और ये अल्फा और ये माइनस डी ये रहा। यहाँ ना बना के, यहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी तो इसको हमने यहाँ बना दिया है, ठीक है ना। यही इस वस्तु को यहाँ रखे और यहाँ पर कोण बना दिए अल्फा, ठीक है ना। तो ये फिगर नंबर बी कहे दे रहे बल्कि, ठीक है ना। तो ये इसके यदि इस चित्र को इसमें दिखाया जाए तो वो यहाँ आए बनेगा, यहाँ यहाँ पर है ना। तो ये तो इसमें ये किराना रेख हो गया। अब इसकी संरचना की बात करें, संरचना की बात करें यदि, तो ये आपको बता दें वास्तव में ये इस प्रकार रहता है, एक नली ऐसे रहेगी और एक नली इस प्रकार रहेगी ऐसे, है ना। और यहाँ दंड चक्री प्रबंध, ये दो स्क्रू हैं, इनको हम ढीला करके इसको अंदर बाहर कर सकते हैं, है ना। तो एक नली ये है, एक नली ये है, दूसरी नली ये है, और दोनों नली के एक एक सिरे पर एक एक उत्तल लेंस लगा है। ये लेंस वस्तु की तरफ है, ये वाला लेंस किधर है, वस्तु की तरफ, इसलिए इसका नाम पड़ेगा अभिदृश्यक लेंस। और ये वाला लेंस किधर है, नेत्र की तरफ, इसलिए इसका नाम होगा नेत्रिका लेंस। इसकी फोकस दूरी एफ ओ होगी, इसकी फोकस दूरी एफ ई होगी, और ये कम होगा, एफ ओ एफ ई से कम होगा, ठीक है। तो ये इसकी संरचना में क्या लिखना पड़ेगा कि इसमें दो समाक्षी बेलनाकार नलियां होती है, दो समाक्षी बेलनाकार नलियां होती हैं, दोनों नलियों के एक एक सिरे पर एक एक उत्तल लेंस लगा होता है। इसके एक सिरे पर उत्तल लेंस लगा है, इसके भी एक सिरे पर उत्तल लेंस लगा है। जो लेंस वस्तु साइड में है उसको अभिदृश्यक लेंस कहेंगे, और जो नेत्र की तरफ है उसको नेत्रिका लेंस कहेंगे। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कम होती है, नेत्रिका की अधिक होती है ना। और दंड चक्री प्रबंध द्वारा इसको अंदर बाहर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी संरचना थोड़ा सा लिखे देते हैं, तो देखना संरचना। संरचना इसमें दो समाक्षी बेलनाकार नलियां होती हैं, दोनों नलियों के एक एक सिरे पर, दोनों नलियों के एक सिरे पर एक एक उत्तल लेंस लगा होता है। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, तथा जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, ठीक है। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका
लेंस की फोकस दूरी से कम होती है। ठीक, इसमें दो समाक्षी बेलनाकार नलियां होती हैं, दोनों नलियों के एक एक सिरे पर एक एक उत्तल लेंस लगा होता है। जो लेंस वस्त्र की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से कम होती है, ऐसा। ठीक है, हमने ये भी बताया कि दंड चक्री प्रबंध द्वारा अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी को बदला जा सकता है। दंड चक्रीय प्रबंध द्वारा अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी को बदला जा सकता है। दंड चक्री प्रबंध द्वारा अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी को बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये इसकी संरचना हो गई। अब आता है मेन आवर्धन क्षमता पॉइंट। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, स्क्रीन को रोक करके आप लिख सकते हो। इसके बाद आता है आवर्धन क्षमता। तो यम बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दृष्टिकोण बटे डी दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दृष्टिकोण। अब बताओ अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण कौन है? बीटा। और डी दूरी पर रखी वस्तु द्वारा बना कोण कौन है? अल्फा। ये यदि अल्फा और बीटा का मान अत्यंत कम है, तो अल्फा बराबर टैन अल्फा, बीटा बराबर टैन बीटा समीकरण एक में रखने पर। इसके बारे में हमने पीछे लेक्चर में डिटेल में बताया है, सरल सूक्ष्मदर्शी को पढ़ोगे तो समझ जाओगे डिटेल में। अल्फा और बीटा का मान अत्यंत कम हो तो अल्फा बराबर टैन अल्फा, बीटा बराबर टैन बीटा समीकरण एक में रखने पर, तो यम बराबर टैन बीटा बटे टैन अल्फा, ये समीकरण दो। अब देखो बीटा किस त्रिभुज में है, तो समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में। देखो तो ए डैश बी डैश ई में बीटा है, तो टैन बीटा बराबर लंब बटे आधार, टैन बीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है ए डैश बी डैश, आधार ये है ए डैश बी डैश, लंब है आधार ये है, यानी माइनस यू ई, यानी ए डैश बी डैश अपान माइनस यू ई। ठीक है, तथा त्रिभुज ए बी ओ में, ये देखो चित्र बी, ये वाला चित्र बी, ठीक है ना, तो टैन अल्फा बराबर ए बी अपान माइनस डी। ठीक है ना, इसमें
अब ये टैन अल्फा और ये टैन बीटा का मान समीकरण दो में रख दो, ठीक है ना। टैन अल्फा और टैन बीटा का मान समीकरण दो में रखने पर, तो रखते हैं तो क्या हो जाएगा, टैन अल्फा और टैन बीटा का मान समीकरण दो में रखने पर, रख देते हैं तो देखना क्या होगा। एम बराबर टैन बीटा है तो टैन बीटा यानी ए डैश बी डैश बटे माइनस यू ई, और टैन अल्फा ए बी अपान माइनस डी, ठीक है, ये माइनस से माइनस कट गया है तो क्या हो गया, एम बराबर ए डैश बी डैश बटे ए बी गुणे डी बटे यू ई, ठीक है, ये समीकरण नंबर तीन। अब यहाँ पर देखो ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ त्रिभुज दिख रहा है, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ त्रिभुज, और ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, क्या हैं, समरूप, ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ त्रिभुज समरूप हैं, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। अब त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप हैं, समरूप हैं, इसलिए ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ बी बटे ओ बी डैश। ओ बी क्या है, ओ बी देखो, ओ बी ओ बी भी ओ ओ बी ओ बी माइनस ओ बी कितना है, माइनस यू ओ, ठीक है, और ओ बी डैश कितना है, वी ओ है, ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू, ठीक है, तो इस मान को यहाँ रख देते हैं, इस मान को समीकरण तीन में, तो एम बराबर माइनस वी ओ अपान यू ओ इंटू डी बटे यू ई, ये समीकरण नंबर चार। ध्यान दीजिए यहाँ ए डैश बी डैश बटे ए बी है, और ये ए बी बटे ए डैश बी डैश, तो इसका उल्टा लिखेंगे तो कहेंगे सर माइनस नीचे ना हो जाना चाहिए, माइनस नीचे नहीं ऊपर ही लिख दिया जाता है, या इसी को एम बराबर एम ओ गुणे एम ई, ये वी ओ बटे यू ओ से एम ओ और डी बटे यू ई से एम ई, और ये तो चिन्ह परिपाटी से वास्तविक प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है। ये हो गए रैखिक आवर्धन अभिदृश्यक का, और ये रैखिक आवर्धन हो गया नेत्रिका लेंस का, ठीक है ना। तो ये अब ये हो गया आवर्धन क्षमता। अब आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता सूक्ष्मदर्शी हो चाहे दूरदर्शी हो, चाहे सरल सूक्ष्मदर्शी हो चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, उसकी आवर्धन क्षमता दो स्थितियों में ज्ञात किया जाता है। अब वो दो स्थितियाँ कौन कौन हैं, कि जब प्रतिबिंब स्पर्श दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बने तब, और जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तब, ठीक है ना। तो पहले यहाँ तक लगा दिए, अब इसकी विशेष परिस्थितियाँ, विशेष परिस्थितियाँ, विशेष नंबर एक, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर,
जब अंतिम प्रतिस्पर्श की न्यूनतम दूरी पर बने तो वी ई बराबर माइनस डी। क्या है कि प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब की दूरी यानी वी, स्पर्श की न्यूनतम दूरी डी, तब वी और डी बराबर होंगे। अब अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के द्वारा बनता है इसलिए वी ई लिखा गया है। इसमें सब कुछ जो करेंगे नेत्रिका लेंस से करेंगे, क्योंकि सब अंतिम वाला प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस से बनता है ना, तब नेत्रिका लेंस के समीकरण से, नेत्रिका लेंस के समीकरण से एक बटे एफ बराबर एक बटे भी माइनस एक बटे यू लेंस समीकरण, इसी में ई कर दे तो ये नेत्रिका लेंस का हो जाए, तो एक बटे एफ ई बराबर एक बटे इसके जगह माइनस डी और ये एक बटे यू ई चिन्ह परिपाटी से यू का मान ऋण करेंगे तो ये धन हो जाएगा दोनों पक्षों में। ये माइनस यू यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है ना, तो प्लस हो गया है दोनों पक्षों में। डी का गुणा करने पर याद रखना यहाँ है माइनस तो ये प्लस कैसे हो गया, लेंस समीकरण में तो यू हुआ पर यहाँ यू ई वाला माइनस में रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो डी बटे एफ ई बराबर डी बटे माइनस डी प्लस डी बटे यू ई, ये इससे कैंसिल, डी बटे एफ ई बराबर माइनस वन प्लस डी बटे यू ई, इसको इधर भेज दो, डी बटे एफ ई प्लस वन बराबर डी बटे यू ई, ये मान ले जाके समीकरण तीन में रख दो, चार में है ना, ये मान को हम कहाँ रख देते हैं समीकरण नंबर चार में, चार यहाँ था ना, यहाँ जो चार ये यहाँ पर जो था उसमें रखना है, इस मान को समीकरण चार में रखने पर तो यम बराबर हो जाएगा माइनस वी ओ अपान यू ओ इंटू डी बटे एफ ई प्लस वन, ये है आवर्धन क्षमता का सूत्र। और दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, ये देखो अनंत पर प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो यू ई बराबर एफ ई, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो यू बराबर एफ कहना पड़ेगा, तो यू ई बराबर एफ ई समीकरण चार में रखने पर, समीकरण चार में रखने पर तो यम बराबर ये हो जाएगा माइनस वी ओ अपान यू ओ इंटू डी बटे एफ ई, ये ठीक है ना। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो आवर्धन क्षमता का ये सूत्र होगा, और जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब आवर्धन क्षमता का ये सूत्र होगा। आप कहोगे कि सर इसका चित्र क्या होगा, तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो ये ए डैश बी डैश कहाँ रहेगा, एफ ई पर कहाँ रहेगा, ए डैश बी डैश कहाँ रहेगा, एफ ई पर, और जब ये एफ ई पर रहेगा तो ये दोनों किरणें समांतर हो जाएंगी, दोनों किरणें क्या हो जाएंगी समांतर, और जब समांतर हो जाएंगी तो मान लिया जाए कि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है ना, जो यू ई है एफ ई के बराबर हो, यानी ए डैश बी डैश एफ ई पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब अधिकतम आवर्धन क्षमता के लिए शर्त क्या होगी, यदि ये कहा जाए यम का मान यदि बढ़ाना हो, है ना, यहां लिखे देते हैं अधिकतम आवर्धन क्षमता के लिए शर्त, तो पहला नंबर यू ओ का मान कम होना चाहिए, ठीक, यू ओ का मान कम होना चाहिए अर्थात वस्तु पास में होनी चाहिए, वस्तु पास में होनी
चाहिए। और दूसरा ये है कि एफ ई का मान कम होना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि एफ ई का मान एफ ओ से कम होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि एफ ई का मान कम होना चाहिए, एफ ओ तो एफ ई से कम खुद ही रहेगा। एफ ई का मान कम से कम होना चाहिए और एफ ओ तो उससे कम रहेगा ही। संरचना में हमने कहा कि एफ ओ का मान एफ ई से कम होना चाहिए, और यहाँ सिर्फ बोल रहे हैं कि एफ ई का मान कम होना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि एफ ओ का मान एफ ई, या ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि एफ ई का मान एफ ओ से कम होना चाहिए, जबकि वहाँ हम बोले थे कि एफ ओ का मान एफ ई से कम होना चाहिए, और यहाँ सिर्फ ये बोल रहे हैं कि एफ ई का मान कम से कम होना चाहिए। एफ ई का मान कम से कम होना चाहिए पर एफ ओ उससे भी कम रहेगा, ठीक है ना। ये अब नली की लंबाई, नली की लंबाई देखो, नली के एक किनारे पर यह है, दूसरे किनारे पर यह है, तो यहां से यहां तक की दूरी नली की लंबाई होगी। तो यहां से यहां तक की दूरी कैसे लाएं, इसको इसको जोड़ दीजिए, ये और ये जोड़ दीजिए। ये मान लो ये सात है, ये तीन है, तो कितना होगा, सात तीन दस ना। ये कहा ये ना कह दे सात माइनस तीन, ये तो माइनस ये बाई तरफ के लिए दिखाया गया है। ये और ये जोड़ेंगे तो नली की लंबाई आएगी, तो ये कितना है वी ओ, ये कितना है यू ई, तो नली की लंबाई वी ओ प्लस यू ई है। लगता होगा सर ये माइनस तो है, माइनस लेफ्ट के कारण आज दिखाया गया है। अब समझो ना, ये मान लो सात है और ये तीन है, तो सात तीन दस है ना, यहाँ से यहाँ तक होगा कि चार हो जाएगा, दस होगा। और दूसरे नंबर में यही भी ओ प्लस एफ ई हो जाता है जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनता है, ये तब का है। और ये कब का है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनता है तब ये नली की लंबाई, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब ये नली की लंबाई, ठीक है ना। तो ये इससे जो क्वेश्चन आता है, इसमें से ये क्वेश्चन आपसे कोई नली की लंबाई पूछ दिया तो नली की लंबाई हर पूछेगा तो एक नंबर में, किरण आरेख पूछ दिया एक दो नंबर में, पूरा एक साथ पूछेगा तो आपसे आवर्धन क्षमता पूछ दिया तीन नंबर में, पूरा संरचना और आवर्धन क्षमता नली की लंबाई सब पाँच नंबर में, है ना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये तो सरल सूक्ष्मदर्शी भी हो गया, इसके पीछे लेक्चर में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ये हो गया, आगे एक भयंकर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है खगोली दूरदर्शी, उसका भी नेक्स्ट वीडियो में वो आएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। थैंक यू।